आज राजद के द्वारा 9 बजे से लेकर 9 मिनट तक के लिए जो है नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में कहीं ना कहीं लालटेन और मोमबत्ती जलाने की बात थी। और आज इसी क्रम में विजय प्रकाश जी अपने आवास पे जो है मोमबत्ती और लालटेन आप देख सकते हैं जला रहे। हम जानेंगे तमाम बातें इन्हीं से, जलाने के पीछे क्या है। लालटेन युग तो कहते हैं जो अब आने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग देखते हैं जो इसे बिजली और चकाचौंध में मोमबत्ती और लाइट जला रहे हैं, क्या कहेंगे। देखिए, कभी भी आदमी को पुरखों का बाप दादाओं का नाम नहीं मिटाना चाहिए। जो पुरखों का नाम मिटाता है समझिए कि वह जो है खानदान के साथ धोखाधड़ी और अपने पिता का नाम को बदनाम करने का काम करता है। तो अंधेला का उजाला जब प्रकृति ने जब पहला लालटेन बनाया और उसके बाद जो है टेक्निकल समय आया तो बिजली भी आया। बिजली हमारे बहुत बड़ा जो है कोई उद्योग का धंधा नहीं है। जो पूरे बिहार में बेरोजगारी और देश में बेरोजगारी हुआ है, इसका बल्ब इसका लाइट कब जलाएंगे नीतीश कुमार जी। 15 साल के दरमियान में आज तक जो है बेरोजगारी का जो परचम, आप लोगों का कहना यही है जो बेरोजगारी और बिहार की जो व्यवस्था लेकर के आप जला, हम घर घर का घर घर में जो बेरोजगारी है, जो नौजवान आज जो है रोजगार के कारण घर में बैठा हुआ, उसके लिए दीप जलाने का काम कीजिए। और हमारे तेजस्वी यादव जी ने यह आज कहकर यह तैयारी किया है कि हम जो है बेरोजगारों के लिए जो है रोशनी चाहते हैं, बेरोजगारों के पेट में हम जो है भोजन चाहते हैं, उसके परिवार की खुशहाली चाहते हैं। उजाला का मतलब होता है खुशहाली। तो जब तक जो है रोजगार नौजवानों को नहीं मिलेगा, बेरोजगारी खत्म नहीं होगा, बेरोजगारी मिटेगा नहीं, तब तक जो है लोगों में खुशहाली और उजाला नहीं आ सकता है। इसलिए बनावटी चीज़ को छोड़िए और ओरिजिनल चीज़ पर आइए, जो कि देश में और बिहार में जो दुर्दशा है बेरोजगारों का, करोड़ों करोड़ बेरोजगार नौजवान, आज हमारे बिहार में 4 करोड़ बेरोजगार है, उसके लिए तेजस्वी यादव जी ने यह तय किया कि आज 9 तारीख को 9 मिनट के लिए उन बेरोजगार भाइयों के लिए हम दीप जलाएंगे कि आपके पेट का जो है भूख मिटे और आपके मन से जो है रोशनी का उजागर हो, उसके लिए आज जो है यह तैयारी किया गया। और पूरे बिहार में अभी कई लोग हमको फेसबुक पर बात कर रहे थे और बता रहे थे हम लोग, लेकिन आपकी आपको लगता है बिहार की जनता जिस प्रकार से बीजेपी जिस प्रकार से जदयू का कहना है जब लालटेन युग समाप्त हो चुका है, आपको लगता है लालटेन जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के पार्टी के लिए और बिहार के लिए जो आपका रोष विजय जी, लेकिन आपकी आपको लगता है बिहार की जनता जिस प्रकार से बीजेपी जिस प्रकार से जदयू का कहना है जब लालटेन युग समाप्त हो चुका है, आपको लगता है लालटेन जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के पार्टी के लिए और बिहार के लिए जो आपका रोशनी की बात जो कर रहे हैं क्या जला पाए, क्योंकि लालटेन तो अब दिखता ही नहीं कहीं। आप जाइए अभी बाजार में, आपको लालटेन का इतना जो है बिक गया है जो कि अभी अचानक आप जाइएगा तो लालटेन आपको मिलेगा नहीं। गांव और गलियों में आज भी तो आपका कहना है शहरों में आज भी के लोग लालटेन नहीं बल्ब का तो सवाल नहीं है, ये हमारे खानदानिक और परंपरा, इसमें जो हमें जो है मौका मिलता है। हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू भी लालटेन में पढ़कर जो है देश का और जो है दुनिया में अपना नाम कमाने का काम किए। इसको कौन मिटा सकता है, किसकी हस्ती है। और आदरणीय लालू यादव के रहते हुए और तेजस्वी यादव के रहते हुए बिहार और देश में लालटेन को कहते हैं लालटेन अब दिखेगा नहीं। अरे बीजेपी का तो कमल फूल अपने मुरझा गया है, वो तो खत्म हो चुका है। जेडीयू का जो जहरीला तीर है उस तीर से अब बिहार में जो है लोग तंग आ चुके हैं। एक एक आदमी के पेट में वह तीर भोंकने का काम किया है जहरीला तीर, उससे अब जो है कोई दोस्ती रखना नहीं चाह रहा है पूरा बिहार। और लालटेन जो है लालटेन का युग है, लालटेन हम लोगों का परंपरागत रोशनी है। इसके साथ साथ आज जो बेरोजगारों के साथ जो 4 करोड़ बेरोजगारों के साथ जो अन्याय कर रहा है नीतीश कुमार, उन बेरोजगार भाइयों के लिए तेजस्वी यादव जी ने जो बीड़ा उठाया है कि 1 महीना के बाद सत्ता में आने दीजिए, सबों का बेरोजगारी हम खत्म करने का काम करेंगे और उसको जो है न्याय दिलाने का काम करेंगे और उसके पेट का भूख हम मिटाने का काम करेंगे। एक बेरोजगार के पीछे कम से कम 5 परिवार है, तो 4 करोड़ बेरोजगार का मतलब आप समझ रहे हैं कि कितने लोग जो है बेघर है, बेबस है, लाचार है। आज किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता है, कल तो आप देखिएगा चूल्हा क्यों आप नाम लेते हैं, गैस सिलेंडर का नाम लीजिए, क्यों आप पूछते हैं कि चूल्हा घर में लोगों को नहीं जल रहा है। इसलिए यह परंपरागत चीज़ है और आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने लालटेन मोमबत्ती दीप जलाकर सबों को बताया कि बेरोजगार नौजवानों के भूख
कैसे मिटेगा, रोजगार कैसे मिलेगा, इसके लिए आज 9 तारीख को 9 बजे जो है हम लोग एक एक व्यक्ति लालटेन जलाने का काम करेंगे, दीप जलाने का काम करेंगे और बेरोजगारों को एकत्रित करके नीतीश कुमार को दिखाने का काम करेंगे कि 15 साल के कुकर्म का यह कारण है कि आप जो है किसी को रोजगार नहीं।